आप देख रहे हैं बीजापुर इन्फो, मैं आपके साथ जफर कलादगी। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए आज पीएम नरेंद्र मोदी बागलकोट पहुंचे, जहां इन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राज्य की गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही इस चुनाव में मजबूत सरकार चुनने की लोगों से अपील भी की। इस मौके पर राज्य एवं बागलकोट और बीजापुर जिले से बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और दोनों जिले के उम्मीदवार भी रहे मौजूद। विजयपुरा मत्तो, बागलकोट क्षेत्र गढ़ा, आत्मीय नागरिका बंधु भगिनियरे, निमगेल्लरिगू निम्म चौकीदार नरेंद्र मोदी वंदने। पिछले 5 वर्षों में भारत ने विकास और आत्मविश्वास की जो भी सीढ़ियां चढ़ी है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद है। मोदी ने सिर्फ आपके सेवक के नाते, आपके चौकीदार के नाते अपना काम किया है, कर्तव्य निभाया है। आजादी के इतिहास में पहली बार सीमा पार घुसकर आतंकवादियों पर भारत ने प्रहार किया है। ये सारे काम अगर संभव हो पाए हैं, तो इसके पीछे सिर्फ साफ नियत और स्पष्ट नीति रही है। साथियों, साल भर पहले मैं जमखंडी आया था आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया था। आपने भरपूर प्यार दिया, जमकर आशीर्वाद दिया, लेकिन सब लोग मानते थे पास हो गया हो गया, और क्या हुआ, थोड़े से के लिए पीछे रह गए। तब मैं कर्नाटक के विकास का एजेंडा लेकर आपसे बीजेपी के लिए आदेश लेने आया था। आज मैं नए भारत के लिए सहयोग मांगने आपके बीच आया हूं। आपने 5 वर्ष की मजबूत सरकार का भी काम देखा है, और आप एक मजबूत सरकार का काम अभी यहां कर्नाटका में अनुभव कर रहे हैं। मजबूत सरकार क्या होती है वो देखना है तो दिल्ली की तरफ देखो, और मजबूत सरकार क्या होती है वो देखना है तो बेंगलुरु को देखो। इतने 1 वर्ष से यहां नेताओं का जो नाटक चल रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और ये नाटक भी ऐसा है जिसमें इमोशन है, रिवेंज है, और इमोशन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर कुछ दिनों के बाद, हर कुछ हफ्ते में किसी न किसी रैली या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमोशन बह जाता है। कांग्रेस को ऐसी ही मजबूत सरकार पसंद आती है, ऐसे ही मजबूत मुख्यमंत्री और उनको पसंद आते हैं, और उनको प्रधानमंत्री भी ऐसा ही मजबूत बिठाना है।
मजबूर मुख्यमंत्री रो रहा है, मंत्री और नेता घोटाले पर घोटाले करते जा रहे हैं और उनको मालूम है कि अब उनकी सरकार का भविष्य लंबा नहीं है और इसलिए उनको लगता है कि जितना माल 5 साल में मारना चाहिए वो जितना जल्दी हो मार लो, पता नहीं डर कब के चले जाएंगे। पिछली सरकार घोटालों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रही थी। स्थिति ये थी कि दुनिया में भारत की बदनामी हो रही थी, विकास थम गया था और भारत में कोई भी पैसा लगाना नहीं चाहता था। इसी स्थिति को बदलने के लिए आपने 3 दशक बाद एक मजबूत सरकार दिल्ली में बनाई थी, चौकीदार की मजबूत सरकार। और इस चौकीदार की मजबूत सरकार ने कांग्रेस के कुशासन को बदलने का ईमानदार प्रयास किया है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की मजबूत सरकार के दौरान पाकिस्तान खुलेआम कहता था कि ये उनके जिहादी है, कर लो क्या कर सकते हो। और कांग्रेस की मजबूत सरकार दुनिया में जाते रोती रहती थी, रोती रहती। ये दृश्य था कांग्रेस का, मजबूत सरकार का। और अब दूसरा दृश्य आपके सामने है, 2014 में जो मजबूत सरकार बनाई, आपने जो मजबूत सरकार दी उसका परिणाम है कि आज हम पाकिस्तान के भीतर जाकर आतंकवादियों को मारते हैं और पाकिस्तान दुनिया भर में रोता फिर रहा है, रोता फिर रहा है। कांग्रेस पर जब भी अस्तित्व का संकट आता है तब वो समाज में बंटवारे का जहर भर देती है। विधानसभा के चुनाव के दौरान भी आपने देखा कैसे आस्था के आधार पर भाई भाई में दरार डालने का काम किया, मां के दूध में दरार करने की इन लोगों ने कोशिश की थी। कांग्रेस के मंत्री खुलकर स्वीकार कर चुके हैं कि लिंगायत समाज को वोट मांगने के लिए कैसे खतरनाक साजिश इन्होंने रखी। क्या मां का दूध कभी दो टुकड़ों में फट सकता है क्या? क्या मां के दूध में दीवार बन सकती है क्या? इन्होंने ये पाप किया था। आज भी इसी बात को लेकर इनके मंत्री आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस के बंटवारे वाले खेल से आपको सावधान रहना होगा। भाई और बहनों, 23 मई को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, याद है ना? 23 मई को फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार जब मोदी सरकार आप बनाएंगे तब हमने देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लिया है। भाई और बहनों, किसान के साथ साथ बुनकरों के लिए भी अनेक काम हमने किए हैं। बागलकोट की कलसाड़ियां बनाने वालों को पेंशन मिले इसके लिए पीएम श्रमयोगी मानधन योजना बनाई है। इस योजना से चुनने पर 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपया हर महीने पेंशन मिलेगा। साथियों, सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है और सबको सुरक्षा सबको सम्मान ये हमारा प्राण है। मैं भी नन्ना ज्योति अली हेड़ी
मानो चौकीदार, नगरा नगरा यल्लारू, मक्कल मक्कल यल्लारू, हरियरू कुड़ा ताई अत्ता तंगी मने मने यल्ली अलवा भमियल्लू पादनल्लू देता अलगडे देता गरियल्लू भक्त इंजीनियर कुड़ा शिक्षक प्रोफेसर कुड़ा राइटर जर्नलिस्ट कुड़ा कालेगारू कुड़ा रेता कर्मी का कुड़ा व्यापारी कुड़ा वकील कुड़ा विद्यार्थी कुड़ा सारा देश चौकीदार। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बीजापुर इन्फो चैनल को। बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।